ये पहला मौका है जब मैं आपके लिए प्रॉपरली एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि 15 अप्रैल के प्रोग्राम में और उसके बाद 3 और 4 मई के प्रोग्राम में आप सब लोग का इतना स्नेह भरा सानिध्य, साथ, जुड़ाव मुझे मिला। मुझे मालूम है हम लोग 10 साल बाद मिल रहे थे और 10 साल बाद पहली बार इतने पुराने भावों को लेकर के मिलना, हजार तरह के सवाल, हजार तरह की बात, उसके बाद भी आप सब लोगों का जुड़ना और आप सब लोगों का जुड़ाव एक बहुत ही खूबसूरत समागम था। दोस्तों, मुझे आप सबको बताते हुए दिल से ये बहुत खुशी हो रही है कि 15 अप्रैल के प्रोग्राम के बाद 3-4 मई के प्रोग्राम से मेरे अंदर जो भी भावना थी आप सबके साथ जुड़ करके इस समय हो रही अव्यवस्थाओं को और ऐसी स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर स्थिति में ले जाने से, एक अच्छी व्यवस्था में ले जाने के लिए, उसमें मुझे बड़ी हिम्मत और ताकत मिली है। आप सब लोग सोचते होंगे पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में क्या हुआ, क्या सब बातें हुई, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिली। तो आज इस वीडियो में कुछ हम इस बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले लगभग 1-1.5 महीने से आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा था कि DSF संस्था के मौजूदा डायरेक्टर्स अभी पिछले 7-8 सालों में हो रही गतिविधियों को लेकर के और अपने कुछ अलग ही एजेंडे के कारण आश्रम और इसकी व्यवस्थाओं से, इसके जो कार्य प्रणाली है, इसकी जो सोच है, विचारधारा है संस्था की, उससे बहुत दूर चले गए। व्यवस्था, लोगों का हित या फिर संस्था के मूल उद्देश्य कि हम सेवा पे ध्यान दें, कुछ अच्छे काम करें, कुछ अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें, जिसको स्वामी जी सारे जीवन करने की कोशिश करते रहे और किया भी, उस सब से संस्था बहुत दूर चली गई। अस्पताल ठप पड़ गए, स्कूल बंद हो गए, जो डिग्री कॉलेज के प्रोजेक्ट थे वो पिछले 3 से 4 साल में लगभग 20% अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ से नीचे आ गए हैं। 80% कॉलेजेस में बहुत नुकसान हुआ। साथ साथ जो स्वामी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का, वो पूरी तरह ठप पड़ गया और सारी व्यवस्थाएं किनारे हो गई। दोस्तों, ऐसे में मैंने हिंदुस्तान आने के बाद बहुत प्रयास किया कि शांतिपूर्ण ढंग से जो भी मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनसे बातचीत की जाए। 1 मई को डॉक्टर सुधा से संपर्क करने के बाद मैंने जयपुर में इनसे बात भी की और कोशिश की कि इस व्यवस्था को सुधारने संबंधी बातचीत हम सामने बैठ के करें, और नतीजा ये निकला कि बहुत सारे डायरेक्टर्स अभी भी किसी और ही मनोभाव में, संज्ञान में अपने काम कर रहे हैं। मुझे आश्रम और आश्रमवासियों को नुकसान पहुंचाने, उनको तकलीफ देने, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने की भावना के आरोप लगाए गए, और ये सारे काम इस वक्त संस्था के मौजूद डायरेक्टरों ने सभी के संज्ञान में ला कर किए। दोस्तों, जितना ज़्यादा मैं इन दिनों दौरे कर रहा हूँ अलग अलग जगहों के, चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सब जगह के आश्रमों में एक बहुत ज़्यादा गिरावट और एक बहुत ज़्यादा षड्यंत्र की समझ दिखाई देती है पिछले 10 सालों में। संत कृपाल नगर आश्रम, कई जगहों पे ऐसे काम हो चुके हैं जो सुधारने में अब बहुत समय लगने वाला है। साथ साथ ऐसे आश्रम जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं जिसको इस वक्त किसी भी तरह मिलकर सुधारने की सूरत में नहीं। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर उन्होंने एक वीडियो और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जारी करने की कोशिश की जिससे फिर से लोग भ्रमित हों, फिर से लोग गुटबाजियों में फंस जाएं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, मुझे बड़ा दुर्भाग्य और बहुत ही एक दुखद भावना मन में आती है, पर साथ साथ मैं अब इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उन तमाम लोगों को मैं मैसेज दूं कि जो किसी भी प्रकार से, किसी और तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें मेरे निर्देश या मेरे साथ या मेरे भी किसी सुझाव पर कोई भी काम नहीं करना है, तो आप सब लोग स्वतंत्र हैं।
जो लोग किसी भी तरीके से मुझसे आहत हैं, मुझसे जुड़ करके कोई काम नहीं करना चाहते, मेरी विचारधाराओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं या मेरी विचारधाराओं में उनकी रुचि नहीं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें आप अपनी ज़िंदगी जिए, जैसे चाहें आप अपनी भावनाओं को या फिर अपने भाव को, अपनी आस्था को आप अपने रास्ते पर लगाएं, आपको जो ठीक लगता है वो करें, आप स्वतंत्र हैं। और साथ साथ वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि विकास हो, जो चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, जो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो उन्हें अब इस मौके पर ये निर्णय लेना होगा कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि ये जो दोहरी नीति है दोस्तों कि आप आधा इसके बनकर रहें आधा उसकर बनकर रहें, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। दोस्तों बहुत ही मशहूर एक राइटर हुए एलन की, उनका कहना है कि बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट। अगर आप चाहते हो कि आज जिस जगह आप खड़े हो वहां से आपका भविष्य कैसा हो, उस चीज की अगर आपको कोई कामना है, तो बेस्ट वे है कि आप उसको खुद अपने कर कमलों से बनाओ, उसको खुद अपने प्रयासों से बनाओ। दोस्तों इस क्षण से हम स्वामी जी के मिशन को, इस परमार्थ के, इस अध्यात्म के मिशन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसका निर्णय हम करेंगे। हम सुधार की तरफ, व्यवस्था की तरफ, जीवन में बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका निर्णय हम करेंगे। हम एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहते हैं, एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, तो इसका निर्णय भी हमें ही करना है। तो दोस्तों आज इस क्षण से वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से अपने आप को इस रास्ते पर चलने में परेशानी में पाते हैं, उन तमाम लोगों को स्वतंत्रता है कि वो कोई और भी रास्ता चुन सकते हैं। पर जो लोग चाहते हैं कि वो सही मायनों में उस समय को दोबारा देखें जो स्वामी जी के समय था, या उससे बेहतर समय में आए, तो उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा आह्वान है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक नई दिशा में कदम रखें, आप अध्यात्म में, आप परमार्थ में, आप जीवन के सुधार में आगे बढ़ें, तो उसके लिए जो भी बैकग्राउंड, जो भी प्रिपरेशन, एक तैयारी की जरूरत होगी, उस दिशा में चलने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। और इसके लिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो इन तमाम लोगों से छुटकारा पाना होगा, इन तमाम लोगों से पीछे हटना होगा जो आपको बार बार भ्रमित और दूसरी दिशा में। दोस्तों इन तमाम चीज़ों के लिए, व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीज़ों में अपना सहयोग देने के लिए सबसे पहला कदम है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। मेरा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हो, जुड़ाव हो, आप सब के साथ मैं मिलूं, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ाव की सूरत बने, इसके लिए इस महीने से आपके साथ जुड़ने के कुछ प्रोग्राम, कुछ व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। इस महीने बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद के कुछ स्थानों पर मेरा आना होगा। अगले महीने जून में मेरा बरेली, पीलीभीत और उसके साथ साथ हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में आना होगा। जुलाई के महीने में राजस्थान में वहाँ के कुछ क्षेत्रों में आना होगा। मेरे आपसे यही अनुरोध है, यही इच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में कुछ सीख लें, शिक्षा लें, अपने जीवन को आदर्श रूप में देखना चाहें, तो उसके लिए इन तमाम स्थानों पर आकर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ करके वार्तालाप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उन तमाम चीज़ों पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। पर ऐसे लोग जो अभी भी टांग खींचने में, दूसरों को तरह तरह से प्रताड़ित करने में, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इन तमाम चीज़ों में हमें घसीटना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आस्था ये है कि आप स्वामी जी के बनाए इस मिशन को और उनमें लगे हुए तमाम लोगों को सिर्फ कष्ट देना चाहते हैं अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से, तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है। अगर आप उस दिशा में जाना ही चाहते हैं तो वो आपका स्वतंत्र भार है, और उसके बाद आप हमसे किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे इस बात का अफसोस भी है, साथ साथ इस बात की खुशी भी है कि बहुत से लोगों ने अपने रास्ते का चुनाव कर लिया है। तो जो भी रास्ता आप चुनें, आपको उसमें शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप विरोधाभास में खड़े हों,
आप चाहते हैं आप दूसरा रास्ता चुनें, आप स्वतंत्र हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और उसके लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। आने वाले इन कुछ महीनों में आप जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं इस महीने के आखिर से, 26 तारीख से आपके साथ जुड़ने के लिए बरेली पीलीभीत में व्यवस्थाएं बनेंगी, उसमें आप ज़रूर भाग लीजिए।